हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम कहीं दे रखे होते हैं या हम किसी भी आरटीओ डीटीओ से बनाते हैं अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका सबसे पहला होता है हमको लर्निंग लाइसेंस। तो हम लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो डाउनलोड करने के बारे में हम आपको बताते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर से कैसे करें। तो डाउनलोड करने के लिए आपको आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से। तो अगर आपके पास डीटीओ में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, और उसके बाद आपके एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद आपका लर्निंग लाइसेंस जेनरेट हो जाता है। तो लर्निंग लाइसेंस जेनरेट करने के लिए डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है सारथी। यहाँ पे आप सारथी सर्च करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है नेट, और आपको सबसे ऊपर वाला एक लाइन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाई देगा जहाँ पे ऑनलाइन सर्विस का, आप यहाँ पे भी क्लिक करके, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा, या यहाँ पे हल्का नीचे देखेंगे तो ड्राइविंग एंड लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे ऑनलाइन पे अगर यहाँ पे शो नहीं करता है बाहर आपके स्टेट में या कहीं पे किसी कारणवश, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे जा कर के ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड पे क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जो देखिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, और इस इंटरफेस में आपको यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट नेम, आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने अपना राज्य सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये एप्लीकेशन बिहार के लिए है। तो आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट होगा, और कभी कभी इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाएगा और आपका स्टेट गलत सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज के साथ पास आप देखेंगे चेंज स्टेट, चेंज स्टेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, और इस इंटरफेस पे आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे इस तरह से आ रहा है सिलेक्ट स्टेट नेम, और उसके बाद फिर से आप अपना सही स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। सही स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस, क्योंकि हमको आज लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करना सिखाना है, आपको बताना है। तो आप यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट लर्निंग लाइसेंस फॉर्म 3। आप जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 1 अप्लाई जब डाउनलोड होता है, फॉर्म 2 डाउनलोड होता है। तो फॉर्म 1 और फॉर्म 2, किसी किसी में अगर आपका एज ज़्यादा हो जाता है तो आपको फॉर्म A1 डाउनलोड होता है, जो मेडिकल होता है। तो आपको ये तीनों आपको DTO में जमा करना पड़ता है, और फॉर्म 3 जो होता है आपका लर्निंग लाइसेंस होता है। तो आपको फॉर्म 3 डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फॉर्म 3 पे। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है टू शीट ब्राउजर सेटिंग व्यू डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे प्रोसेस कर देना है। जब आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस आपके पास, अगर जो मोबाइल पे आपको एक मैसेज प्राप्त हुआ होगा जो आप नंबर देते हैं उस पे आपका लर्निंग लाइसेंस का
रनिंग लाइसेंस मैसेज में आ जाता है, उसके नीचे एक लिंक आता है, उस लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप अपना लर्निंग लाइसेंस से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहाँ पे आपका क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर से। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जब सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट दिखाई देगा और इस 4 डिजिट पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और वो वेरिफिकेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप पास रखना होगा। पास में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लर्निंग लाइसेंस इस तरह से आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये डाउनलोड अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल नंबर आपका है और डेट ऑफ बर्थ आपका खुद का पता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक लर्निंग लाइसेंस ये हो गया।